अंदर एनपीके 19-19-19 का स्प्रे हमें कब करना चाहिए। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एनपीके का उपयोग किसी भी फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। उसी प्रकार से जैसे सभी फसलों के लिए, ऐसे ही हमारी गेहूं की फसल के लिए। किसान भाइयों, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये एक ऐसे तत्व हैं जो हमारी गेहूं की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। इनका उपयोग हमें अपनी गेहूं की फसल के अंदर अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों, यदि नाइट्रोजन का उपयोग हम गेहूं की फसल के अंदर नहीं करेंगे तो हमारी फसल के अंदर जो क्लोरोफिल की मात्रा होती है, जो हरापन हमारी फसल के अंदर होता है, वह कम हो जाता है और हमारी फसल पीली पड़नी शुरू हो जाती है। दूसरा किसान भाई होता है फास्फोरस। यदि फास्फोरस का उपयोग हमारी गेहूं की फसल के अंदर नहीं होगा तो हमारी फसल के अंदर जड़ों का जो विकास है वह तेजी के साथ नहीं होगा। यानी कि जब जड़ों का विकास नीचे मिट्टी में नहीं होगा तो हमारा पौधा ऊपर भी अच्छा विकास नहीं करेगा। इस कारण से हमारी जो फसल है ज़्यादा अच्छा उत्पादन आपको निकाल करके नहीं दे पाएगी। लास्ट में किसान भाइयों आता है पोटास। तो पोटास का जो हम उपयोग करते हैं, पोटास से क्या होता है कि हमारा जो पौधा होता है इसका तना मजबूत हो जाता है और हमारे पौधे के अंदर जो भी फल आएगा या फिर फूल आएंगे वे बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार, बहुत ही चमकीले आएंगे और जितने भी हमारे इसके अंदर गेहूं के दाने बनते हैं ये बहुत ही ज़्यादा वजनदार बनते हैं और हमारा यह फल हो या फूल हो ये काफ़ी ठोस और काफ़ी मजबूत बनता है, जिससे कि जो वजन है हमारे फलों के अंदर और या हमारी गेहूँ की फसल के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छा निकल करके और बन करके चलता है। इसलिए किसान भाइयों, एनपीके का उपयोग गेहूं की फसल के अंदर जरूरी है, इसलिए आपको एनपीके का स्प्रे अपनी गेहूं की फसल पर करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एनपीके का स्प्रे आपको कब करना चाहिए। किसान भाइयों, यदि हम बात करें एनपीके 19-19-19 की, तो एनपीके 19-19-19 का स्प्रे गेहूं की फसल में आप लगभग 45 से 50 दिन की अवस्था तक कर सकते हैं। 50 दिन के बाद आपको इसका स्प्रे नहीं करना है, 50 दिन तक आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। यदि इसके स्प्रे की मैं डोज की बात करूँ कि आपको इसकी कितनी डोज लेनी है, तो किसान भाइयों, एक एकड़ खेत के लिए आपको लगभग 1 किलोग्राम एनपीके 19-19-19 की आवश्यकता पड़ती है। किसान भाइयों, इसे आप लगभग 120 से लेके 140 लीटर पानी के अंदर आसानी के साथ मिक्स कर सकते हैं। ये पानी में पूर्णतः घुलनशील है और इसे घोलने के बाद आप इसका स्प्रे अपनी गेहूं की फसल में कर सकते हैं। यदि आप इसका स्प्रे अपनी गेहूं की फसल के अंदर कर लेते हैं तो आपकी फसल कभी भी ना पीली पड़ेगी, ना ही उसकी ग्रोथ रुकेगी और जो उसके ऊपर दाने बन करके आएंगे वे बहुत ही शानदार और बहुत ही ठोस और बहुत ही चमकीले बन करके आएंगे। तो किसान भाइयों, इसका स्प्रे आप कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसकी कीमत की, इसकी कितनी कीमत है और ये कितने दिन तक हमारी फसल पर कार्य करती है। तो किसानों, यदि एनपीके 19-19-19 के मैं प्राइस की बात करूं, इसके रेट की बात करूं, तो ये आपको मार्केट में लगभग 80 रुपए से लेकर के 120 रुपए तक आपको आसानी के साथ मिल जाता है किसी भी कंपनी का। ऐसा नहीं है कि पैकेट के ऊपर रेट ज़्यादा होते हैं, लेकिन यदि आप दुकानदार से बात करेंगे तो वह लगभग आपको 80 से लेकर 120 रुपए के आसपास 1 किलोग्राम एनपीके 19-19-19 दे देगा। बात कर लेते हैं कितने समय तक आपकी गेहूं की फसल पर कार्य करता है। तो किसान भाइयों, जिस दिन आप इसका स्प्रे करेंगे उस दिन से लगभग 24 घंटे बाद ही यह काम करना शुरू कर देता है आपकी फसल पर और लगभग 15 से लेकर 20 दिन तक ये रिजल्ट आपकी फसल पर दिखाता रहता है। यानी कि 15 से लेकर 20 दिन का ही इसका अच्छा रिजल्ट